सो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने बीच शर्ट्स ले ली हैं, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था वही चीज आप दोनों ने चूज कर लिया। आप देख सकते हैं ये ऐसी बीच शर्ट्स हैं। और मैं आप लोगों को रूम टूर दूंगा और जस्ट एक आप लोगों को सीन दिखा, एक आप लोगों को नजारा दिखाया, आप लोग चौंक जाएंगे ऐसा नजारा देखने के लिए, है ना उन्हें? And our time is right now. Only you can make me feel this way, 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 oh yeah. Won't you take me with you? We can fly away from here. See the world in a million ways. Find what we're looking for. Won't you take me with you? We can fly away from here. कैसे हो आप लोग, अनदर व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने रूम का टूर का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक अच्छा सा एक सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। और जस्ट हम लोगों ने जो ये रूम ले रखा है, ये छोटी सी बीच हट है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट रेट में हम लोगों ने डील करी थी। ये प्राइस जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले आप नज़ारा, ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। ये एरम्बोल बीच पे है, मगर एक चीज़ बता दूँ यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ जितना भी आपको देखने को बाहर मिल रहा है यहाँ सब फॉरेनर आता है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आता है, सबसे ज़्यादा फॉरेनर ही यहाँ पे आता है। ये होटल है और ये किचन है, यहाँ भी शावर भी ले सकते हो आप बीच से, अगर जो नहा के आ रहे हो। कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। उन्हें कैसा लगा, कुछ बोलना चाहोगे इस रूम के बारे में? बहुत बढ़िया है रूम, ठीक ठाक है। तो एक चीज़ गाइस बता दूँ, यहाँ पे जो रूम है, अगर जो आप ऑफलाइन लेना चाहेंगे तो आप ऑफलाइन बेटर रहता है ऑनलाइन के मुताबिक। ऑनलाइन वो करते हैं जिन्हें कभी कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम लोग बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है। ऑफलाइन लेने में हम लोग को 1000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, जो कि सस्ता पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों को बाहर से दिखा देता हूँ ये रूम अपना कैसे, ये कुछ ऐसा रूम है। ये रूम कुछ ऐसा है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर चार्जर भी है, क्वीन साइज बेड है, मगर मच्छरदानी इसने लगा रखी क्योंकि ये ऑन बीच है, इसलिए यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा नहीं है मगर है तो। और ये छोटा सा है बाथरूम है जहाँ पे आप शावर से नहा भी सकते हो। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है रूम, मगर बीच हट्स के नाम से जो हट्स होती है वो हट्स इसी तरह से होती है, ना कि लग्जरी हट्स होती है। लग्जरी हट्स भी है मगर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 7000 की, 6000 की, 5000 की, 3000 की, 2000 रुपये तक भी एक्सपेंसिव वाली मिल जाएगी। अगर हम लोग को रात काटनी थी तो हम लोग ने जल्दी में ले लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग को एक्सपेंसिव हट मिल रही थी मगर वो पीछे थी, तो हम लोग को ऑन बीच चाहिए थी, तो ऑन बीच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेनर काफ़ी ज़्यादा आता है, जितना भी फॉरेनर नहा रहा है सब फॉरेनर ही है, जितने भी आदमी नहा रहे हैं। और आई होप आप लोगों को ये रूम अच्छा लगा होगा, अगर जो आप बजट में आना चाहते हैं गोवा, और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी जगह है एरम्बोल। अगर जो मैं आप लोगों को सजेशन दूँ तो गोवा में कभी भी आई तो एरम्बोल बीच पर आइए। ये कैलंगूट, कैंडुलियम, बागा, ये सब बेकार चीज़ें हैं, अगर जो आपको जन्नत देखनी है तो आप एरम्बोल आ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ से बस समुंदर सामने ही है, तो हम लोग को ऐसा ही रूम चाहिए था, तो रूम फाइनली मिल चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने, फ़ोन वगैरह सब लग देंगे या फिर लेके चलेंगे, लेके चले फ़ोन की नहीं रख दें, रख के चलो, रख के चलो, हाँ, क्योंकि आराम से फ्री माइंड नहा सकते हैं ना। हाँ यार, काफ़ी दिन से नहाया नहीं अच्छे से और थक भी गए हैं क्योंकि कल रात लेट नाइट पार्टी थी, तो अभी चलते हैं बीच पर और इंजॉय करते हैं। तो गाइस चल रहे हैं अभी एरम्बोल बीच पे नहाने, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्म लग रहा है और रेत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और हम लोगों ने जैसा कि कमरा देख सकते हो मेरे पीछे ही कमरा ले रखा है, और ये बोट कुछ ऐसी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है, और हम लोग नहाने जा रहे हैं और आप लोग सिर्फ वीडियो में इंजॉय करिए। तो गाइस गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मगर दूर दूर तक जो है वो सब समुंदर ही समुंदर दिखाई दे रहा है। ये जो बीच है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी तो बात आ रहा है पीछे। Won't you take me with you? We can fly away from here. See the world in a million ways. Follow what we're looking for. Won't you take
शायद ये मर गई है गाइज, और अभी इसको उठा के देखते हैं। हाँ ये मर गई है शायद गाइज। और तो गाइज देख सकते हैं ये है मरी हुई मछली स्टिंगरे। तो गाइज ये स्टिंगरे है और ये शायद मर चुकी है। ये समुंदर के किनारे आ गई थी, ये बीच के किनारे पड़ी थी। अभी हम लोग इसको फेंक दे रहे हैं। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कितने का? ये वाला काट दीजिए। वीडियो दिखा लेता हूँ। अभी इस समय रंबोल बीच पे, और अभी हम लोग ने पाइनएप्पल लिया है, और यहाँ पाइनएप्पल का रेट 50 रुपीज़ है और काफ़ी सस्ता है ये। और आप देख सकते हैं जो आंटी काट रही हैं, और इसके बाद इसमें मसाला वगैरह डालेंगी। टेस्ट करते हैं और उसके बाद एंजॉय करते हैं रंबोल का बीच। आप गाइस देख सकते हैं कितने सारे रशियंस हैं यहाँ पे जो एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी बेस्ट है यहाँ का नज़ारा। पे आपको हर जगह रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ जिनके बाहर बेंच पड़ी है, आप आराम से स्लीप कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे शायद आंटी जो हैं वो प्रोग्राम कर रही है रशिया से। तो गाइस एक बंदा ये भी दिखाते हैं, एक कितना स्मार्ट लग रहा है, लॉन्ग हेयर। अबे कर रहा बंदा लग रहा था यार। ये होते हैं ऐसे कायदे के लोग। अभी देखो इसमें जाल में लगा। कैसे अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। नहीं जिसने खाया है इसके अंदर देखो कितनी। तो गाइस इतने सारे आप क्रैब हैं देख सकते हैं, और बहुत सारे हैं, और ये जाल से पकड़े इन्होंने। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम था। मैं आप लोगों को इसी रूम के बारे में बताना चाहता था थोड़ा बहुत। ये देखने में बेकार लग रहा है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर जो आप सुबह उठेंगे, अपनी आँखें खोलेंगे तो डायरेक्ट समुंदर के किनारे पाएंगे। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। और एक और चीज़ बता दूँ, इस कमरे का रूम जो था वो 700 रुपये का था, वो भी 3 लोगों का। 700 रुपये मतलब 3 लोगों का रूम था, तो ज़्यादा महंगा नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट लगा, इसीलिए हम लोगों ने ले लिया। तो अगर जो आप लोगों को भी ये हट चाहिए तो लिंक और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आराम से चेक इन कर सकते हैं, और जब मन चाहे तब रंबोल बीच आ सकते हैं, वो भी गोवा में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।